गाइस, वेलकम टू माय चैनल लेट्स स्टडी विद क्रिएटिव आइडियाज। आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो है यूनिट 3 चैप्टर 5 वन लिटिल किटन का एक्सरसाइज बुक एनसीईआरटी सब्जेक्ट इंग्लिश क्लास फर्स्ट। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा रीडिंग इज फन से। फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी काइंड ऑफ क्रिएचर्स आर देयर इन द पोएम। कितने टाइप के क्रिएचर्स पोएम में दिए गए हैं। देयर आर 15 क्रिएचर्स मैंशन इन द पोएम। पोएम में 15 टाइप के क्रिएचर्स दिए हुए हैं। आर द सील्स हैप्पी, क्या सील खुश थे। नो, सील्स आर सैड, सील कैसे थे, दुखी थे। तो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा लेट्स टॉक। क्वेश्चन फर्स्ट, वेयर डू द फिश लीव, जो मछलियाँ हैं वो कहाँ रहती हैं। द फिश लीव इन द वॉटर, मछलियाँ पानी में रहती हैं, जैसे कि रिवर, ओशन या फिर सीज। क्वेश्चन टू, व्हाट आर द अदर थिंग्स फाउंड इन द वॉटर, और क्या अलग चीज़ें हैं कि अदर थिंग्स और क्या अलग चीज़ें हैं जो कि पानी में पाई जाती हैं। द अदर थिंग्स फाउंड इन द वॉटर आर द सी क्रिएचर्स, यानी कि समुद्री जीव जंतु, प्लांट्स, ऑस्ट्रस, सेल्स, हर्ब्स एक्सेट्रा, यानी कि पेड़ पौधे, जो कुछ शेल्स होते हैं वो, और ऑस्ट्रस, हर्ब्स यानी कि छोटे मोटे पौधे और बहुत सारी चीज़ें। देयर आर मेनी क्रिएचर्स इन द पोएम, पोएम में बहुत काफ़ी सारे क्रिएचर्स थे। विच वन यू हैव सीन, आपने कौन कौन से देखे हैं। तो बच्चों मेरा आंसर है कि आई हैव सीन किटन, मैंने किटन इनके बिल्ली के बच्चे देखे हैं, मैंने कैट देखा हुआ है, मैंने बटरफ्लाइज भी देखी हैं, रैट भी देखा है, फिशेस भी देखी हैं, लिजर्ड भी देखा है, बीज भी देखे हैं मैंने, इवन आई सॉ द एलिफेंट, डोंकी टू। ठीक है, तो मैंने ये चीज़ें देखी हैं इसीलिए मैंने आंसर में मेंशन किया है। आप जिन चीज़ों को देखे होंगे आप उन्हीं चीज़ों को सिर्फ मेंशन करेंगे। उसके बाद है हमारा टॉपिक लेट शेयर से। लेट इज अबाउट व्हाट यू फील, आपको इन चीज़ों को बनाते हुए आपको यहाँ पे सेंटेंसेस यूज़ करने हैं। तो जैसे आपका फर्स्ट है सैड, तो सैड से आपको सेंटेंस बनाना है। तो मैंने लिखा है आई फील सैड व्हेन आई एम डाउन इन फीवर, मैं बहुत ज़्यादा दुखी होती हूँ, मुझे बुरा लगता है जब मैं, क्या हो जाता है मुझे फीवर हो जाता है। आपको नेक्स्ट है ब्रेव यानी कि बहादुर, आई फील ब्रेव, मुझे ब्रेव यानी कि बहादुर फील होता है। व्हेन आई स्पीक द ट्रूथ, जब मैं सच्चाई बोलती हूँ। हैप्पी, आई फील हैप्पी व्हेन आई हेल्प अदर, मैं बहुत ज़्यादा खुश महसूस करती हूँ जब मैं दूसरों की मदद करती हूँ। नर्वस यानी कि भयभीत होना, आई फील नर्वस, मैं तब भयभीत फील करती हूँ व्हेन आई डोंट कम्प्लीट माई होमवर्क, जब मैंने अपने होमवर्क को कम्प्लीट नहीं किया होता है। लेट शेयर का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मेक फेस शो योर फीलिंग टू योर फ्रेंड्स, यानी कि जब अपने फ्रेंड्स के साथ होते हैं तो कैसा महसूस करते हैं, सैड, ब्रेव, नर्वस या फिर हैप्पी, कैसा फील करते हैं। ऑफकोर्स ये बात है, जब वी आर वैन वी आर विथ आर फ्रेंड्स, यानी कि जब हम अपने फ्रेंड्स के साथ होते हैं तो वी फील हैप्पी, तो हम क्या करेंगे, हैप्पी पे सर्कल कर देंगे। लेट्स ड्रॉ, लुक एट द पिक्चर्स ऑफ द एनिमल्स गिवन बिलो एंड अंडरलाइन देम इन द पोएम एंड ट्रेस द लेटर्स। आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको पिक्चर्स दी गई हैं, आपको इन पिक्चर्स को देखना है और अंडरलाइन करना है देम इन द पोएम, जो पोएम में है उनको क्या करना है, अंडरलाइन करना है और इनके लेटर्स को ट्रेस करना है। आपको जैसे के है इसको ट्रेस करना है, ये बी है इनको ट्रेस करना है, तो इस तरीके से जितने भी आपको लेटर्स दिए गए हैं आप सभी को इनको ट्रेस करना है। लुक एंड रीड क्वेश्चन, से दीज वर्ड अलाउड, आपको ये जो वर्ड्स दिए गए हैं इनको बहुत ज़ोर से पढ़ना है। देन मैच देम विद द पिक्चर्स बाय ड्राइंग लाइंस, उसके बाद आपको लाइन की हेल्प से ड्रॉ करना है और फिल करना है। तो पहले पढ़ लेते हैं, बी ए जी बैग, टी आई एन टिन, एच ई एन हैन, पी ई एन पेन, टी ए पी टैप, ए एक्स ई एक्स, ए एन टी एंट, एफ ओ एक्स फॉक्स,
CAP COT cot. पहले हम बैग देख लेते हैं कि बैग कहाँ पर है. बैग यहाँ पर है तो हम क्या करेंगे, बैग को इसके साथ लाके हमें जॉइंट करना है. उसके बाद हम लेते हैं कॉट को. कॉट मतलब खटिया. खटिया कहाँ दिख रहा है हमको, यहाँ पे है तो हम उसको कर देते हैं इस तरीके से मैच. कैप, कैप कहाँ पर है, कैप ये रहा. हम कैप को मिक्स कर दे मैच कर देते हैं इस तरीके से. फॉक्स यानी कि भेड़िया मिक्स कर मैच कर देते हैं, मिक्स एंड मैच. एंट इनकी चींटी मैच कर दिया. एक्स, एक्स मतलब क्या होता है, कुल्हाड़ी होता है बच्चों, ठीक है. टैप, टैप यानी कि नल का. पेन, पेन मींस पेन जो हम डेली टीचर्स आपका यूज करते हैं आपकी कॉपीज चेक करने के लिए. हैन, हैन मींस मुर्गी. टिन, टिन यानी कि ये जो टिन का बॉक्स दिख रहा है आपको वो होता है हमारा टिन. तो इस तरीके से हमारी मैचिंग हो गई कंप्लीट. क्वेश्चन टू, फिल इन द ब्लैंक फॉर्म द वर्ड्स गिवन बिलो. आपको क्या करना है, जो आपको आपको बुक में इस तरीके से दिया होगा बच्चों, ये खाली आपको इस तरीके से दिए होंगे राइट. आपको जैसे सी डैश पी टी डैश एन सी डैश टी डैश एन टी पी एन डैश पी एफ डैक्स, ये जो आपको इस तरीके से दिया होगा तो आपको क्या करना है, आप फिल करना है. जैसे बी डैश जी तो आप यहाँ लगा देंगे ए. जैसे मैंने यहाँ पे लगा रखा है आप उस तरीके से यहाँ लगा देंगे ए. यहाँ एच ई एन हैन. जैसे यहाँ पे टी डैश पी लिखा होगा तो आप लगा देंगे यहाँ पे ए, वो बन जाएगा हमारा टी ए पी टैप. यहाँ लिखा हुआ है सी डैश पी, आप उस तरीके से लिख देंगे सी ए पी कैप. टी डैश एन टी आई एन टेन. सी डैश टी सी ओ टी कॉट इनकी खटिया. डैश एन टी ए एन टी. पी डैश एन पी ई एन. एफ डैश एक्स एफ ओ एक्स. डैश एक्स ई ए एक्स ई राइट. इस तरीके से आपको यहाँ पे फिल कर देना है. तो बच्चों यहाँ पे हमारा चैप्टर होता है फिनिश. अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करें. थैंक यू.